हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक नॉन टेक टीवी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुंबई में एक अच्छा कैरम बोर्ड कहाँ ख़रीदा जा सकता है, कैरम बोर्ड ख़रीदते वक्त हमें क्या चीज़ें देखनी होती है, और फाइनली हमने जो कैरम बोर्ड ख़रीदा उसका अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। काफ़ी रिसर्च के बाद हम पहुँचे रे रोड सुरको कैरम फैक्ट्री, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है। जैसे आप फैक्ट्री में अंदर एंटर करते हो, आपको डिफरेंट टाइप के कैरम बोर्ड्स दिख जाएंगे। कुछ सेकेंड हैंड कैरम बोर्ड्स, फ्रेम्स, और कुछ फ्रेम्स जो कि अभी बन रही है। हम वैसे तो सैटरडे गए थे, बट आज भी यहाँ काम चालू था। और जब कभी आपको सुरको फैक्ट्री में आना है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, इट इज़ बेटर कि आप चेक करें कि वो फैक्ट्री में अवेलेबल हो। हमारी रिक्वायरमेंट बुलडॉग कैरम की थी, तो वहाँ के स्टाफ ने हमें बुलडॉग कैरम बताया, जो कि ब्राउन फ्रेम में 28 mm का था। कैरम को परचेस करने से पहले हमें उसके फ्रेम्स को अच्छे से चेक करना होता है। चारों साइड पे हमें ये फ्रेम्स को स्ट्राइकर से मारकर देखना है कि कहीं फ्रेम डिफेक्टिव तो नहीं है। इसी के साथ हमें उसके होल्स भी चेक करने हैं कि एजेस कहीं आगे तो नहीं आई है। अगर ऐसा है तो आपके कैरम मैन एफिशिएंटली पॉकेट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ऑनलाइन ऑर्डर्स भी डिलीवर हो रहे थे, और अगर आपको भी ऑनलाइन परचेस करना है तो आप इनकी वेबसाइट surco.com पर जाकर परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैरम को फाइनली टेस्ट करने के बाद हमने वहाँ के मैनेजर से बात की, क्योंकि हमें कैरम की एक्सेसरीज़ भी ख़रीदनी थी। तो हम फिर चले गए उनके ऑफिस, जो कि वहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर है। ऑफिस में हमने पहले कुछ स्ट्राइकर्स देखे। ये स्ट्राइकर एक 500 रुपीज़ का है। उसके बाद हमने कुछ कॉइन सेट्स देखे। यहाँ पे 3 से 4 वैरायटी है उनके पास कॉइन सेट्स की, कैरम मैन की। और ये हमने पहला वाला देखा, जो कि एक वुडन बॉक्स में आपको दिया जाता है। 500 ग्राम्स के आसपास एक पीस यहाँ पर होगा। इसके साथ में उनकी खुद की सुरको की एक कॉइन सेट, कैरम मैन कॉइन सेट थी। एंड फाइनली एक और अश्विन ब्रेक टू फिनिश, जो कि काफ़ी फेमस है मुंबई में, जो कि हमने फाइनली बाय किया। इसके साथ में हमने एक बॉक्स में एक लैंप भी लिया था, और सब बिलिंग करके उन्होंने हमें एक बिल दिया जो कि लगभग 11,000 के आसपास था, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सेसरीज एंड स्टैंड। आफ्टर परचेसिंग आपके कैरम बोर्ड को एक फाइनल पॉलिश दिया जाता है, जिसके बाद आप आपके कैरम मैन से इसे टेस्ट कर सकते हो कि इसका पॉलिश और कैरम मैन की मूवमेंट सही है, स्मूथ है, एंड रिबाउंड पीसेस का सही से आ रहा है या नहीं। और फाइनली हमने कैरम को परचेस करके घर लेकर आ गए। पहले हम लैम्प ओपन करते हैं। ये सुरको फैक्ट्री का खुद का लैम्प था।
इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। लैंप होल्डर थोड़ा डेलिकेट है बट बल्ब को अच्छे से फर्मली होल्ड करता है। इसके बाद हम अनबॉक्स करते हैं स्टैंड को। स्टैंड भी काफ़ी एडजस्टेबल था और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट थी। फाइनली हम कैरम को अनबॉक्स करते हैं। इन्होंने हमें कैरम जो है सिर्फ एक थर्मोकॉल और प्लास्टिक में कवर करके दिया था। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो चांसेस है कि आपको ये प्रॉपर बॉक्स्ड वे में मिले। अब स्टैंड को कैरम पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दो नट बोल्ट टाइप स्क्रूज़ मिलेंगे बेसिकली, और फिर आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको टाइट कर सकते हैं। एक एडवाइस ये रहेगी कि टाइट करने के पहले आप उसके नीचे कुछ कार्डबोर्ड या कुछ पेपर रखें जिससे आपका फ्रेम डैमेज ना हो, जो कि मैंने इस फ्रेम में किया नहीं है। अब लैम्प अटैच करते हैं, और मोस्टली आपको इसके साथ एक, अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत आगे पड़ सकती है। 200 वॉट का बल्ब मोस्टली यूज़ करते हैं, आप 100 वॉट का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसे अटैच करते हैं। एंड फाइनली हमारा सेटअप रेडी है। हमने सुरको का ही कैरम पाउडर परचेस किया था, इसी के साथ हमने अश्विन ब्रेक टू फिनिश परचेस किया था। इसकी कॉइन्स जैसे कि मैंने बताया लगभग 5 ग्राम के आसपास होती है और लाइट वेट है बेसिकली। ये स्ट्राइकर जो हमने परचेस किया 500 रुपीज़ का, आपको एक स्ट्राइकर मिलेगा। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा हैवी वेट स्ट्राइकर है बट इस कॉइंस के साथ में ये अच्छा जाता है। सुरको पाउडर के जगह पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल बोरिक पाउडर ही यूज़ करें, बिकॉज सुरको पाउडर थोड़ी ज़्यादा ही थिन थी या लेस कोर्स थी आप बोल सकते हो। इसके जगह पे नॉर्मल बोरिक एसिड काफ़ी इफेक्टिव है, तो वो और इस कॉइंस के साथ बेटर भी जाता है, तो आप वही परचेस कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो हम बताना चाहेंगे कि ये वीडियो सुरको द्वारा ज़रा भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई होप वो स्पॉन्सर करते। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में मेंशन करिएगा, होपफुली हम इसको ज़रूर आंसर करेंगे एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक नॉन टेक टीवी।